राहुल गांधी जी आने वाले हैं। लकीली हम जब गुलमर्ग में केबल कार से ऊपर आए, लकीली राहुल गांधी जी भी स्कीइंग करने के लिए ऊपर आए और यहाँ वो स्कीइंग करते हुए पाएगा और हमें उनसे मिलने का मौका मिला और हमें सुनके बहुत खुश हुए। ये है राहुल गांधी स्कीइंग के उपकरण लगाते हुए, सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए, आम जनता के बीच बर्फ का मजा लेते हुए, बर्फ पर स्कीइंग करते हुए। बहुत से लोगों के बीच घिरे होने के बावजूद राहुल गांधी ने उनसे बात की, उन्हें सेल्फी लेने दी और यही नहीं उनके साथ भी स्कीइंग की। राहुल गांधी ने आम लोगों की तरह अपने पैरों में स्कीइंग का उपकरण लगाया, दोनों हाथों में स्टिक लिया और बर्फ पर तेजी से फिसलते हुए आगे बढ़ते गए। भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन वे इस बार राजनीति नहीं मजे करने गए हैं। वे रोपवे से बर्फ से ढकी घाटी में पहुंचे और वहां बर्फ के मजे लिए। इस दौरान उन्हें कुछ सैलानी भी मिल गए जो इस बात से बेहद खुश हुए कि उन्हें राहुल गांधी मिले हैं और अपने साथ सेल्फी लेने दी और स्कीइंग करने दी। राहुल गांधी जी आने वाले हैं। लकीली हम जब गुलमर्ग में केबल कार से ऊपर आए, लकीली राहुल गांधी जी भी स्कीइंग करने के लिए ऊपर आए और यहाँ वो स्कीइंग करते हुए पाएगा और हमें उनसे मिलने का मौका मिला और हमें सुनके बहुत खुश हुए। जी, हमारे यहाँ पर कांग्रेस के युवा नेता और आने वाले प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात करने का मौका मिला और वो भी स्की करने आए थे, छुट्टी मनाने आए। उन्होंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा करी, अब उसके पास उन्हें टाइम मिला और अब स्की करने के लिए छुट्टी मनाने आए हैं। हिमालय का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग बर्फ से भरा हुआ है। सैलानी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं बर्फ का मजा लेने के लिए, स्कीइंग करने के लिए और मजे करने के लिए। और उन्हें वही वह व्यक्ति भी मिल गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है। सोचिए उन्हें कितना मजा आया होगा।